आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब दोपहर के 12 बज रहे हैं, सारे सुबह के काम मेरे निपट गए, सबका एक टाइम का खाना पीना हो गया, कपड़े धुल चुके, बर्तन क्लीन हो गए, सारे काम मैंने फटाफट से निपटा लिए क्योंकि मुझे आज करने हैं साफ सफाई, जैसे जंग लड़ने से कम नहीं है काम। क्योंकि किचन में ऐसा देखिए इतना सारा सामान ऐसे बिखरा बिखरा हो गया है, जैसे गौरी विसर्जन हो गया सारा इधर का उधर मैंने घुसेड़ दिया है, कुछ भी सही से नहीं रखा। क्योंकि मन में एक चल रहा था मेरे कि अब नवरात्र आने वाले हैं, साफ सफाई तो करनी है, नवरात्र आने वाले हैं, साफ सफाई तो करनी है, ये सोच सोच के जो हाथ में आए जहाँ का था मैंने रख दिया है। मगर यहाँ पर अलविरा में देखिए यहाँ पर सब ठीक ठाक है। जो भी मैंने बनाया था पकवान बहुत सारे बनाए थे, तो वो सारे खत्म होने के बाद मैंने सारे डब्बे जो है क्लीन करके मैंने अलविरा में रखे थे। फिर भी अभी एक बार मुझे इसे निकालना ही है क्योंकि ये सब कुछ क्लीन होगा, ये जो मैंने कवर डाले ये भी अच्छे से क्लीन होंगे। मगर ये अलविरा की हालत आपको दिखा दूँ, बहुत ही बुरी है इस वक्त। ये देखिए जो भी हाथ में यहाँ पर घुसर दिया है मैंने, तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा। तो सोच रही मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि किचन में जहाँ पर पैर को वहाँ पर बस सामान ही सामान है, किचन में ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए शुरुआत तो मैं किचन से ही करूँगी। और हमें ना कोई भी काम करने से पहले एक मन में सोचना चाहिए कि ये काम मेरे है, मेरी जिम्मेदारी है और ज़िम्मेदारी से मैं करूँगी। अगर हम ये सोचते हुए काम करेंगे मुझे करने पड़ते हैं, मुझे करना है, ऐसा अगर सोचेंगे ना तो कोई भी काम हमारे सही से नहीं होंगे। इसीलिए मन में एक विचार हमारे आना चाहिए जैसे कि ये काम मेरे है, मेरी जिम्मेदारी है, तो ये समझ के करेंगे तो काम हमारे जल्दी से हो जाएंगे, आलस बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब दोपहर के 12 बज रहे, तो अभी एक टाइम का लंच हो गया है सबका, मगर दोपहर में बाद में हो जाएगा। जैसे दोपहर का लंच हमारा बहुत ही लेट से होता है, सबका 1-1.5 बजे होता है और हमारा 3-4 बजे होता है, तो ऐसे ही होते हैं गैरेज के काम। जैसे ही घर को आने के लिए निकलते हैं तो उसके बीच में काम आ जाते हैं, तो वहीं पर रुकते हैं, वो सारे काम निपटा के आने में 3-4 बजे जाते। तो चलिए शुरू कर देते हैं, अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी। सोच रही हूँ कि शुरुआत कहाँ से करूँ, पहले नीडल के ऊपर से तो कुछ लाने मुझे लेने नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी ऊपर है, मेरा हाथ नहीं जाएगा। स्टूल के ऊपर भी खड़ी होकर कुछ निकालूंगी तो बहुत ही वजनदार चीज़ें, दालें वगैरह मैंने भर कर रख दी बकेटों में, तो वो मुझे लेने नहीं आएगा। तो दीपक आने के बाद देख लेते हैं सब, तो ये सब रहने देते हैं, जो मुझे आता है वही करूँगी मैं। तो ये अलविरा रैक ये और ये नीचे वाली अलविरा, तो ये सब कुछ मैं निकालूंगी। शुरुआत हम किचन से ही करेंगे, फिर हॉल बेडरूम ये सब बाद में होता रहेगा क्योंकि ये काम जल्दी से हो जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा सामान नहीं रहता, जो भी सामान हमारा होता है ना सब किचन में ही होता है। तो चलिए किचन से शुरू। साफ़ सफाई के काम शुरू करने से पहले मैंने सारी खाने पीने की चीज़ें जो है ढककर रख दी है। ये सुबह खाना बना, दाल चावल रोटी सब बना था, तो सब कुछ यहाँ से बाहर ले जाकर रख दिया है कोने में। और दूध दही के जो लोटे मैं यहाँ पर खिड़की में रख देती हूँ वो भी मैंने ढककर रख दिए हैं क्योंकि बहुत धूल उड़ने वाली है। वैसे तो किचन डेली साफ़ होती ही रहती है, मगर ऊपर ऊपर की साफ़ सफाई अलग और इस तरह से निकाल के साफ़ सफाई करनी थोड़ी सी अलग। जैसे कोनों में वगैरह धूल जम जाती है, कीड़े वगैरह जैसे जाली के कीड़े रहते हैं कोनों में, तो ये सब कुछ हो जाता है। तो अब सब कुछ निकाल रहे तो थोड़ी सी धूल निकलेगी। तो मैंने सारे डब्बे क्लीन करके रखे थे, जो भी गौरी मैया के लिए सारा जो पकवान बना था वो खाली होने के बाद मैंने सारे डब्बे क्लीन किए थे। फिर भी आप निकाल ही रहे तो सब कुछ निकाल देते, जो क्लीन किए हुए जो बिना क्लीन किए हुए सब कुछ मैं निकाल कर दोबारा से क्लीन करूँगी, क्योंकि एक पर धूल हो जम जाती है और एक क्लीन है तो उसकी धूल उसके ऊपर बैठ जाती है। तो अब निकाल रहे तो पूरा किचन ही हम क्लीन करेंगे। तो देखिए सारे डब्बे यहाँ पर निकाल कर मैंने किचन पर रख दिए हैं। पहले ये सारे डब्बे क्लीन करूँगी मैं, फिर मैं रैक का सामान निकालूँगी। अभी रैक में के जो कटोरी प्लेट जो छोटे छोटे सामान होते हैं वो नहीं निकालूँगी, तो वो निकालूंगी तो यहाँ पर फिर पैर रखने के लिए जगह नहीं। की शुरुआत कहाँ से करूँ, तो मैंने अलविरा में के सारे जो डब्बे हैं वो सारे निकाल कर यहाँ पर रख दिए हैं। तो सारे डब्बे मैं एक एक क्लीन करके हॉल में रख दूँगी। तो यहाँ पर हॉल में मैं कुछ कपड़ा बिछा दूँगी नीचे और क्लीन कर करके यहाँ पर रख दूँगी और फैन ऑन करूँगी ताकि जल्दी से सूख जाए। जैसे सूती कपड़े से पोंछ के हम फैन ऑन कर देंगे तो जल्दी से सूख जाएंगे। फिर जो भी सामान इसमें का हम निकालेंगे वो दोबारा से इसमें भर के हम फिर से अलविरा में लगाएंगे। तो आज दिन भर भी मैं ये सारे काम करूँगी ना, फिर भी दिन कम ही पड़ने वाला है। तो चलिए अब शुरुआत की है तो कंप्लीट करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं आधे में। तो चलिए पहले डब्बे क्लीन कर, पहले खाली करती हूँ सारे डब्बे और फिर मैं क्लीन करूँगी। और ये रैक का जो बर्तन है रैक में के वो बाद में निकालूँगी, पहले सारे डब्बे क्लीन हो जाए ताकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह हो जाए दूसरे बर्तन रखने के लिए। तो पहले हम ये डब्बे क्लीन करेंगे तब जाके, जैसे जिसकी किचन छोटी है ना तो वो ऐसा ही करे, पहले थोड़े थोड़े करके बर्तन जो है खाली कर करके क्लीन करके उसे साइड में रख दे, फिर बाद में जो भी है, नहीं तो सब एक साथ ही हम निकालेंगे ना तो फिर किचन में स्पेस कम पड़ जाएगा, फिर पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी, फिर हम बर्तन क्लीन कैसे करेंगे, कहाँ खड़े होंगे, पानी वगैरह फैल जाता है। तो इसी वजह से ऐसे आराम से थोड़े थोड़े करके हम शुरुआत करेंगे। पहले सारे क्लीन होंगे, इन्हें पहले मैं हॉल में रखूँगी, फिर यहाँ पर जगह हो जाएगी, फिर रैक में के सारे बर्तन निकाल के यहीं पर क्लीन करेंगे हम।
तो इस तरह से छोटी किचन भी हो ना, तो इस तरह से हम थोड़ा सा ध्यान दे के काम करेंगे तो ज़्यादा फैला फैला भी नहीं होगा और आराम आराम से हमारे काम होते जाएंगे। तो चलिए पहले डब्बे हम खाली करते हैं। और तो इस तरह से मैंने एक कपड़ा बिछा दिया है और जो थोड़े थोड़े सामान हैं जैसे साबुदाना है, देखिए यहाँ पर मैंने मसूर डाली है तो एक कपड़े पर डाली, बहुत ज़्यादा है तो थाली वगैरह में नहीं आ सकती, तो कपड़े पर मैंने दालें मसूर जो भी ज़्यादा चीज़ें हैं ज़्यादा सामान है वो कपड़े के ऊपर डाला है और जो थोड़ा थोड़ा सा है वो सब थाली में डाल दिया है। तो इस तरह से मैंने डब्बे सारे खाली कर लिए हैं। तो चलिए अब डब्बों को क्लीन कर लेते हैं। तो स्पेस कम होने की वजह से किचन छोटी होना, जिनकी किचन छोटी है वो ऐसा ही करें ताकि हमारे काम जो है वो अच्छे से हो जाए। अगर हम सब कुछ खाली करके एक साथ ही क्लीन करके रखेंगे तो यहाँ पर रखने के लिए जगह ही कम पड़ जाएगी। तो इस तरह से चार चार डब्बे हम क्लीन करते जाएंगे और धुल के हम हॉल में रखते जाएंगे तो यहाँ पर स्पेस भी रहेगा, दूसरे बर्तन रखने के लिए जगह भी हो जाएगी। तो इसलिए मैं पहले यहाँ पर साबुन का पानी बना लिया मैंने, क्योंकि डब्बे चिपचिपे हो गए तो इसलिए साबुन का पानी बना लिया है और इससे मैं क्लीन कर दे, जैसे पहले मैं इस तरह से घिस घिस के इन्हें साफ़ करूँगी फिर बाद में धुलेंगे। और मुझे लग रहा है कि नीचे की एलोवेरा हो नहीं पाएगी आज, क्योंकि यही बहुत सारे बर्तन बहुत सारा हो जाएगा तो शायद टाइम बच नहीं पाएगा और मेरी हालत भी बहुत बुरी होने वाली है सब कर करके। तो इस तरह से मैं डब्बे क्लीन पहले अच्छे से निमाज ले रही हूँ, फिर धुल के हम हॉल में रखते जाएंगे। और बाहर धूप भी नहीं है, मैं धूप में रख देती इन्हें धुल के, लेकिन धूप भी नहीं है आज, तो अच्छे से धुल के मैं इन्हें पोंछ के फिर फैन ऑन करूँगी ताकि जल्दी से सूख जाए। तो पहले तो हमें शुरुआत ऐसे करनी चाहिए कि डब्बों से सारे डब्बे जो है खाली करके क्लीन करेंगे, जब तक ये डब्बे सूखते हैं तब तक हम दूसरे बर्तन क्लीन करेंगे, जैसे रैक के वगैरह। रैक के बर्तन थोड़े थोड़े छोटे छोटे होते हैं और उनमें कुछ सामान वगैरह डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, और डब्बों में हमें सामान डालना होता है जो हमने दालें वगैरह निकाली है, तो इसलिए पहले हम डब्बे क्लीन करेंगे तो डब्बे सूख जाएंगे, इनका पानी सारा सूख जाएगा, फिर हम दोबारा से वो दालें वगैरह डालने के लिए आ जाएंगे। जब तक डब्बे सूखते हैं तब तक हम रैक में का पूरा सामान निकाल के क्लीन करेंगे। तो इस तरह से शुरुआत करने से जल्दी से हमारे काम हो जाएंगे और वेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर डब्बे हम लास्ट में क्लीन करेंगे ना तो वेट करना पड़ेगा जब तक डब्बे सूख जाते। तो ज़्यादा चुपचुपे नहीं है क्योंकि मैंने क्लीन करके ही रखे थे, जब निकाला है तो दोबारा से मैं सारे क्लीन कर रही हूँ। तो इस तरह से इतने डब्बे मैंने क्लीन कर लिए हैं, अब इन्हें धुल के मैं बाहर हॉल में रख दूँगी। अगर धूप अच्छी हो ना तो दालें सारी मैं धूप में डाल देती छत पर ले जाके, लेकिन धूप भी नहीं है आज सुबह से ही सूरज देवता ने दर्शन नहीं दिए, धीमी धीमी सी धूप है, एक बार आती है एक बार नहीं आती, एक बार बारिश अचानक से बारिश हो जाती है, इस मौसम में कोई भरोसा नहीं रहता है, धूप में ही बारिश आने लगती है तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए कोई दाले वाले मैंने धूप में डाली नहीं, यहीं पर कपड़े के ऊपर मैंने डाल दिए हैं। तो इतने डब्बे मैंने धुल कर ले लिए और जो बाकी के बाद में क्लीन होंगे। तो इतने डब्बे मैंने अच्छे साफ कर लिए, इन्हें अब हम बाहर ले जाकर रख देते हॉल में। तो इस तरह से मैंने सारे डब्बे उल्टे रख दिए, जो भी एक्स्ट्रा पानी है सारा चला जाएगा, फिर बाद में हम इन्हें कॉटन के कपड़े से जो भी बचा कुचा पानी पोंछ लेंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे डब्बे जो है क्लीन कर लिए हैं। और जब नवरात्र की साफ़ सफाई होती है ना तो घर में दो लोग हो तो बहुत झटपटे काम हो जाते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम बहुत सारे बर्तन निकाल लेते हैं तो बहुत टाइम लगता है, अकेला इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है सारे काम कर करके। तो जो भी डब्बे क्लीन हुए हैं वो सारे मैंने यहाँ पर उल्टे रख दिए हैं, अब इन्हें सीधे कर करके इनका जो भी पानी बचा हुआ है वो अच्छे से कॉटन के कपड़े से मैं पोंछ लूँगी। तो धूप होती तो मैं ले जाके धूप में रख देती, धूप में अच्छे से सूख जाते, धूप भी सही से नहीं है और बाहर ले जाओ फिर अंदर लाओ बहुत मेहनत भी लगने वाली है, तो मैंने यहीं पर रख दिया है। तो इस तरह से मैंने कॉटन के कपड़े से अच्छे से सारे डब्बे का जो भी पानी है वो सारा पोंछ ले रही हूँ और फैन ऑन कर दूँगी, जब तक ये डब्बे सूखते रहेंगे तब तक हम रैक में के सारे बर्तन निकाल लेंगे। तो ये सारे डब्बे मैंने अच्छे से पोंछ लिए हैं, फ़ैन ऑन कर दिया और यहाँ पर टीवी ऑन कर रही हूँ,
क्योंकि मैं टीवी पे चलाऊंगी, गाने गाने सुनते सुनते अपने काम कर लेंगे। देखिए काम भी बहुत ज़्यादा है तो गाने सुनते सुनते एंजॉय करते हुए हम सारे काम कर लेंगे। और ये मेरा डेली का ये है, सुबह के टाइम भी जब मेरे काम होते हैं ना, सुबह सुबह मैं भजन सुनती हूँ, फिर सारे मेरे सुबह के काम हो गए, फिर दोपहर हो गई, दोपहर में कुछ बैठ के काम हो, फिर कहीं बाहर वाले कुछ झाड़ू पोछा के काम हो, तो मैं हिंदी गाने चलाती हूँ और गाने सुनते सुनते म्यूजिक सुनते सुनते अपने काम में कर लेती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे गाने सुनना, भजन भी सुन लेती हूँ, हिंदी गाने भी सुन लेती हूँ। वही सीरियल या फिर फिल्म वगैरह देखो ना, उसके सामने बैठना पड़ता है टीवी के, क्योंकि हमें इंटरेस्ट आ जाता है कि इस कहानी में क्या हुआ, क्या आगे होने वाला है। तो जब तक फिल्म ख़त्म नहीं होती तब तक हम टीवी के आगे से उठेंगे नहीं, तो हमारे कोई काम हो पाए नहीं हो पाएंगे। और सीरियल का तो ऐसा है कि सीरियल का टाइम होते ही हम टीवी के सामने जाकर बैठ जाते हैं, चाहे हाथ में कौन सी काम हो जाए वो छोड़ के हम चले जाते। पहले मेरे साथ ऐसा ही हुआ करता था, मैं पहले बहुत सीरियल देखा करती थी, जैसे 6 बजे 7 बजे सीरियल शुरू हो जाते थे तो मैं खाना बनाना छोड़ के टीवी के सामने बैठ जाती थी, जैसे घड़ी की तरफ ही मेरा ध्यान रहता कब 6 बजेंगे, कब मैं सीरियल लगाऊँ, उस कहानी में क्या होने वाला है, तो कुछ इस तरह से चलता है। तो हमारा जो ध्यान है वो कामों में कम हो जाता है और सीरियल में ज़्यादा होने लगता है, तो इसलिए मैंने सीरियल देखना ही छोड़ दिया है। फिल्म देख लेती हूँ कभी कभी, फिल्में देखना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी है वो 3 घंटे में ख़त्म हो जाती है, तो 3 घंटे जैसे वेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर सीरियल देखो ना तो हम टाइम का वेट करते रहते हैं, इस टाइम सीरियल लगने वाला है तो अब 6 बजने वाले, 6 बजे सीरियल लगने वाला है, तो हम 15 मिनट पहले ही सोचने लगते हैं कि कब 15 मिनट ख़त्म हो जाएंगे और कब हम मैं जाके टीवी के सामने बैठूँ और सीरियल देखूँ, तो ऐसा चलता रहता है मन में। इसीलिए मैं सीरियल बिल्कुल नहीं देख रही आजकल, पहले बहुत देखा करती थी। अब एक तो गाने चलाऊँगी या फिर फिल्म देखूँगी, अगर टाइम हो तो फिल्म देख लेती हूँ। तो मैंने जो प्याज और लहसुन डाल कर रखा था स्टैंड फ्रिज के ऊपर रखा था मैंने, तो वो भी सारे प्याज लहसुन निकाल के स्टैंड अच्छे से क्लीन कर दिए, इसके जो पार्ट है वो सारे अलग कर दिए हैं और इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। और जो बर्तन मैंने रैक में के निकाले थे वो भी सारे अच्छे से घिस लिए, अभी धुलने बाकी है, पहले स्टैंड धुलूँ फिर ये सारे बर्तन धुलूँगी। और रैक में बहुत सारे बर्तन नहीं थे, जैसे सुबह खाना वाना बना, खाना सबने खा लिया, बहुत सारे बर्तन हो जाते, दो टोकरे भर के बर्तन हो गए थे, तो सारे क्लीन करके मैंने रैक में लगाए नहीं, क्योंकि आज सब कुछ निकालना ही था तो रैक में कुछ लगाया नहीं मैंने, तो बर्तनों की डाली जो है खाली नहीं, उसमें बर्तन भरे हुए हैं। और ये जो मैंने बर्तन अब मैं मांझ कर अब इन्हें धुलूँगी तो यहीं पर रखूँगी मैं, क्योंकि अब डाली तो है नहीं, तो यहीं पर किचन पर रख दूँगी। तो ये किचन पहले मैं अच्छे से धुल लेती हूँ। और किचन भी हमारे ऐसे है ना, गैस का चूल्हा जहाँ पर है वहाँ पर पानी रुक जाता है, तो इस तरह से ये बन चुकी है, तो जो भी पानी वो हाथ से मुझे निकालना पड़ता है तब जाके यहाँ पर अच्छा सूखा हो जाता, नहीं तो पानी यहीं पर रुका रहता है, क्योंकि आगे पानी नहीं आ पाता, इधर जाता है गैस के चूल्हे के नीचे पानी रुक जाता है। तो ये सारे काम कर करके मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दिए। वैसे तो दोपहर का टाइम नहीं है चाय पीने का, मगर जब थक जाती हूँ ना तो मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पीने से और एनर्जी आ जाती है और कामों में मैं लग जाती हूँ। तो सारे बर्तन जो है मेरे अच्छे से क्लीन हो गए, उन्हें पोछ पोछ के मैंने बड़े पतीले में रख दिया है और बाहर ले जाकर रख दिया है, अब हम अलमीरा साफ कर लेते हैं, क्योंकि किचन की इस साइड पूरी जो भी बर्तन थे वो सारे क्लीन हो गए हैं। अब ये पेपर वगैरह जो मैंने डाले थे न्यूज़पेपर अलमीरा में, वो सारे मैंने निकाले हैं। और ये एक अलमीरा में मैंने इस तरह से शीट डाले थे, क्योंकि ये शीट मेरे पास बस इतने ही थे, क्योंकि मैंने किचन के नीचे जो अलमीरा है वहाँ पर भी यही शीट डाले हैं, बेडरूम के अलमीरा है वहाँ पर भी यही शीट डाले, जो बचे थे वो इस वाले अलमीरा में थोड़े से डाल दिए थे, एक ही खाने में आए थे तो वो भी निकाल कर रख दिए। और ये न्यूज़पेपर है बाकी के, वो भी सारे निकाल ले रही हूँ, रैक में के भी सारे न्यूज़पेपर मैंने निकाल के इस तरह से इसकी इसे गोल बना के इसे मैं बटन लगा दूँगी, ताकि ये पूरे घर में फैले ना, अगर मैं ऐसे ही रख दूँगी तो पूरे घर में फैल जाएंगे। और वैसे फ़ैन ऑन कर दिया मैंने, फ़ैन की हवा के कारण भी ये उड़ उड़ के पूरे हॉल में हो जाएंगे, तो इस तरह से मैंने बटन लगा दिया है, एक ही जगह रहेंगे अब। और ये रैक जो है यहाँ से निकलता नहीं, देखिए बहुत मजबूती से यहाँ पर पैक किया गया है इसे, तो यहीं पर इसे क्लीन करना पड़ेगा, तो करूँगी। पहले हम खिड़की में से सारा सामान हटा देंगे, सारी चीज़ें मैंने ढक कर रखी थी तो अभी भी मैंने सब कुछ निकाल कर अब साइड में रख के फिर से इसे ढकूँगी। तो अभी कवर भी मैं सीट जो है ये भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, सीट बहुत ही अच्छी है, देखिए कितने भी दिन हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से इन्हें क्लीन करके हम इन्हें धूप में सुखा के फिर से हम बिछा सकते हैं, ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी, बहुत ही मजबूती सीट है। मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, आपने देखा होगा वीडियो में, बहुत ही मजबूत है। इस तरह से मैंने 3 पैकेट मंगवाए थे, एक पैकेट में 6 ये कवर आ जाते हैं बड़े बड़े, तो मैंने इस तरह से टुकड़े किए, एक कवर में के 3 टुकड़े मैंने बना के अलमीरा में डाले थे, जैसे उसके स्पेस के बराबर।
तो ये सारे क्लीनिंग के काम मेरे हो गए, जैसे पूरे बर्तन वगैरह क्लीन हो गए। अभी एलिविरा रैक साफ करना है तो बाद में करूँगी, पहले मैं ये सारे जाले वाले जो भी है अच्छे साफ करूँगी। क्लीन ही रहता है, हम 15 दिन में महीने में एक बार ये सबको साफ़ सफाई करते हैं। फिर भी सब कुछ निकाला है तो जो भी कोनों वगैरह में छोटे जाले खिड़कियों में जाले हो जाते हैं तो वो सब कुछ हम अच्छे से पहले साफ कर लेंगे। तो इतनी साफ़ सफाई करने में बहुत टाइम लगा मुझे, 12 बजे मैंने शुरुआत कर दी थी, अब दोपहर के 2:30 बज रहे, अब खाना खाने का भी टाइम हो गया है। दिनेश के पापा भी आते होंगे, उन्हें फ़ोन लगाया था, तो जब तक वो आ जाते तब तक मैं सारे साफ सफाई के काम कर लेती हूँ। तो मैंने अच्छे से जाले वाले निकाले हैं और मैंने किचन कैसे सेट किए ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और घर में सबसे मेन किचन ही होती है जहाँ पर बहुत सारे बर्तन होते हैं, डेली खाना बनता है, तो सबसे मेन किचन ही होती है और इसे क्लीन करने में बहुत ही टाइम लगेगा, तो इसलिए इस वीडियो में सब कुछ मैं दिखा नहीं पाऊँगी। तो मैंने किचन कैसे सेट की है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी दीदी पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर एक खिड़की में देखिए बहुत चिपचिपी हो गई है खिड़की, किचन की खिड़की ना ऐसे ही होती है, यहाँ पर खाना बनता है भाप लगने की वजह से खिड़कियाँ ख़राब होती है जल्दी से। तो मैंने ब्रश से अच्छे से साफ़ कर ली है, जो भी धूल वगैरह जमा हो गई थी वो अच्छे से साफ़ कर ली है ब्रश से। अभी इस वाली जो इस साइड की जो खिड़की है वहाँ पर जाली लगी हुई है, तो जाली को भी मैंने अच्छे से ब्रश से साबुन का पानी लिक्विड का पानी बना के अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। और ऊपर की जो दीवार है वो भी लिक्विड के पानी बना के मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए, इस तरह से लिक्विड का जो फर्श साफ करते वही लिक्विड डाला है पानी में और मिक्स करके मैंने अच्छे से ब्रश से पूरी साफ़ सफाई कर ली है। इस तरह से लिक्विड के पानी से साफ़ सफाई करोगे ना तो जल्दी से जाले नहीं होंगे और छिपकली वगैरह नहीं आती है। देखिए तो इस तरह से लिक्विड का पानी बना के आप दीवार सारी अच्छे से ब्रश से साफ़ कीजिएगा ताकि जल्दी से जाले भी ना हो और जो छिपकली वगैरह आती है घर में कीड़े होते हैं तो नहीं होंगे। तो इस तरह से मेरी खिड़की अच्छे साफ़ हो गई, सारी दीवारें अच्छे साफ़ हो गई है और इस साइड की जो जाली वाली खिड़की है वो भी अच्छे से क्लीन कर ली है मैंने। किचन की खिड़की ना बहुत जल्दी से गंदी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, तो मैंने बहुत टाइम लगाया मुझे खिड़की साफ़ करने में। तो ये खिड़की अच्छे साफ़ हो गई है, इसका ग्लास भी मैंने अच्छे साफ़ कर लिया है। तो ये देखिए मेरी दोनों भी खिड़की अच्छे साफ़ हो गई, किचन भी मैंने क्लीन कर ली है। अब अलवीरा और रैक ये दो क्लीन करने के रह गए हैं तो एक करेंगे, पहले हम खाना खा लेते हैं। और दिनेश के पापा को बोला है कि बाहर से पानीपुरी ले आए, सुबह दाल चावल रोटी बनी थी मगर अब दोपहर में मैंने गर्म सब्जी वगैरह कुछ बनाया नहीं, डेली बना लेती हूँ। अब किचन में देखिए ऐसा सामान पड़ा है तो कुछ बनाया नहीं है, तो ये पानीपुरी वगैरह ले आएंगे तो वही खा लेंगे, साथ में सब्ज़ी भी ले आएंगे। तो इस तरह से घर में सारा बिखरा बिखरा पड़ा है तो खाना तो नहीं बनेगा मगर खाना खाना ज़रूरी है तो बाहर से ही ले आएंगे तो वही हम खा लेंगे। तो सीट वैसे सूख गई तो ले आई हूँ मैं। आता अलमारी आणि रॅक क्लीन करायचा राहिला आणि जेवण्याची वेळ ही झालेली, आता जेवण करून मी पुढची कामं करेन। तर सगळं किचन मी कसं सेट केलं हे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघा, कारण याच व्हिडिओमध्ये मी सगळं दाखवलं तर व्हिडिओ खूपच मोठा होईल, म्हणून या व्हिडिओला मी इथंच एंड करत आहे। ज्या ज्या ताई माझा हे व्हिडिओ पहिल्यांदा बघत आहेत त्यांनी या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यावं आणि हा व्हिडिओ छान वाटला असेल तर एक लाईक करावं। तर बाय बाय, टेक केअर, भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तर मी किचन कशी सेट केली नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये नक्की बघा। बाय बाय।